हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एम्बेडेड ऑफ ए रिंग से रिलेटेड एक थ्योरम बताऊंगा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं एम्बेडेड ऑफ ए रिंग क्या है उसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल मैं बता चुका हूं। तो यहां पर मैं एक थ्योरम को देखूंगा, लेकिन इस थ्योरम को समझने के पहले आप थोड़ा सा एम्बेडेड ऑफ ए रिंग के बारे में जान लीजिए कि एक रिंग हम लोग लेते हैं यहाँ पर आर, और एक दूसरा रिंग ले रहे हैं आर डस। हम लोग इस रिंग आर को कहेंगे कि एम्बेड कर रहा है आर डस पर। कब कहेंगे? जब एक मैपिंग एग्जिस्ट करना चाहिए आर से आर डस में। फाई एक मैपिंग है जो आर से आर डस में एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये मैपिंग वन वन होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर कोई मैपिंग मिल जाता है आर से आर डस में जो वन वन और होमोमॉर्फिज्म हो, तो हम लोग कहते हैं कि रिंग आर इज एम्बेड इन रिंग आर डस। तो ये डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं बताया हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है। इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि एनी रिंग आर विदाउट ये यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन ये रिंग विथ यूनिटी। अगर कोई भी एक रिंग लेते हैं आर जिसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, विदाउट यूनिटी एलिमेंट है, वो एम्बेड कर सकता है। कहां पर करेगा? एक दूसरे रिंग पर करेगा जिसमें यूनिटी एलिमेंट होगा। कैन बी एम्बेडेड इन ए रिंग विथ यूनिटी। तो देखिए यहां पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है। यहां पर सिर्फ एक रिंग पहले दिया हुआ है, यहां पर एक रिंग आर है जिसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, यहां पर यूनिटी एलिमेंट इसमें रिंग में नहीं है। तो ये एक रिंग दिया हुआ है, एक रिंग दूसरा रिंग मिल जाएगा और ऐसा रिंग मिलेगा जिस पर यह एम्बेड करेगा। एक रिंग मिल जाएगा जिस पर ये एम्बेड करेगा, और ये रिंग में यूनिटी एलिमेंट होगा। यहाँ पर यूनिटी होगा, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें यूनिटी एलिमेंट है। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है कि कोई भी अगर एक रिंग दिया हुआ है तो वो जरूर एक दूसरे रिंग पर एम्बेड करता है, और ये इसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, लेकिन जिस पर एम्बेड कर रहा है उसमें यूनिटी एलिमेंट होगा। अब देखिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, जरा समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लेट आर बी एनी रिंग विदाउट यूनिटी। आर जो है वो यहाँ पर एक रिंग मान लिया जिसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, एंड जेड बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो आर तो एक रिंग है, कोई भी रिंग हो सकता है जिसमें यूनिटी नहीं है, और जेड जो है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स है। अब हम लोग आर डस आर क्रॉस जेड को कह रहे हैं, ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, रिंग आर का और रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है जेड उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको हम लोग आर डैश मान रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सा एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट लेना है आर का और एक एलिमेंट लेना है जेड का। ये ऑर्डर्ड पेयर, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है, इसका एक एलिमेंट ले लेना है, इसका एक एलिमेंट ले लेना है, इस तरीके से जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है उस सारे ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को ही हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आर का होगा, तो ए बिलोंग्स टू आर, और ये जो सेकेंड एलिमेंट होगा ये जेड का होगा, तो एम जो है वो जेड का मेम्बर है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो रिंग है और ये इंटीजर्स का जो सेट है, ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि जेड में जो है वो क्या होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होता है। अब रिंग में अगर फाइनाइट भी है तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, या फिर अगर रिंग में इनफाइनाइट है यहाँ पर भी इनफाइनाइट है तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। हम लोग इसका एलिमेंट लेंगे, इसका एलिमेंट लेंगे, और उससे ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। जितना ऑर्डर्ड पेयर बनता है उस सारे ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को ही हम लोग कह रहे हैं आर क्रॉस जेड, जिसको आर डैस से डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को दिखाना है कि रिंग आर जो है वो एम्बेड करेगा किसी रिंग पर। तो ये आर रिंग हम लोग दिखाएंगे कि इसी पर एम्बेड करेगा। अब ये एक रिंग होना चाहिए और रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि ये एक रिंग है, आर डस जो है वो एक रिंग है। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो डिफाइंड किए हैं वो एक रिंग होगा जिसमें यूनिटी एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट काम तो करना पड़ेगा कि ये रिंग दिखा देना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग दिखाएंगे कि ये इस पर एम्बेड कर रहा है। तो एम्बेड कर रहा है तो एक मैपिंग मिल जाएगा आर से आर डैश में, और वो मैपिंग जो है वो वन वन होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा। तो वो तो खैर बाद की बात है, पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे कि ये एक रिंग होगा विथ यूनिटी एलिमेंट। तो जब रिंग होगा तो वहाँ पर तो दो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड करेंगे इस सेट में। तो देखिए
इफ ए कॉमा एम एंड बी कॉमा एन आर टू एलिमेंट्स ऑफ आर क्रॉस जेड, आर क्रॉस जेड जो यहाँ पर डिफाइन किया है उसमें कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, ए कॉमा एम ले रहे हैं और बी कॉमा एन ले रहे हैं, तो ये जब आर क्रॉस जेड का मेंबर है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आर का होगा रिंग का, और सेकेंड एलिमेंट जो है वो इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पर भी बी जो है वो आर का मेंबर हो जाएगा और एन जो है वो इंटीजर हो जाएगा। तो देन वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन आर क्रॉस जेड एज बिलो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर क्रॉस जेड जो सेट है उसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रहे हैं। कैसा डिफाइन कर रहे हैं, इसका दो एलिमेंट हम लोग लिए हैं यहाँ पर, तो दोनों एलिमेंट का जो एडिशन होगा सम होगा वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड कर देना ए प्लस बी, और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड कर देना एम प्लस एन। इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा यही दोनों का सम हो जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर और इस ऑर्डर्ड पेयर का सम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी कर देंगे कॉमा फिर एम प्लस एन कर देंगे। और मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए कॉमा एम और बी कॉमा एन ये दोनों का प्रोडक्ट जो डिफाइन कर रहे हैं, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, ये प्रोडक्ट होगा इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ये है पूरा ए प्लस बी प्लस एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी, ये फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकेंड कंपोनेंट एम इंटू एन है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लिखा गया है, ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ए को एन से मल्टीप्लाई करके एन ए लिखेंगे, एम को बी से मल्टीप्लाई करके एम बी, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, और सेकेंड कंपोनेंट लास्ट वाला को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे एम इंटू एन, इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर R क्रॉस Z जो सेट है, इस सेट में हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस लिखा हुआ है A और B किसका मेंबर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो R का मेंबर होगा। तो यहाँ पर ये R के एलिमेंट के बीच में एडिशन लगाया गया है, तो यह R का एडिशन होगा, A प्लस B जो है वो किसका मेंबर हो जाएगा, R का मेंबर हो जाएगा। तो इन राइट हैंड साइड ऑफ वन ए प्लस इज एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ आर, ये रिंग का दो एलिमेंट का एडिशन है, और ये एम और एन जो है वो किसका मेंबर होगा, सेकेंड कंपोनेंट तो वो जेड का मेंबर होगा, तो एम और एन जो है वो इंटीजर हो जाएगा, तो ये दो इंटीजर का सम को बता रहा है। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, देखिए कि इन राइट हैंड साइड ऑफ वन ए प्लस बी इज एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ आर एंड एम प्लस एन इज एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स का सम है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए मल्टीप्लीकेशन में, तो ए और बी जो है वो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, और वो किसका एलिमेंट का प्रोडक्ट है, रिंग का एलिमेंट का प्रोडक्ट है। तो राइट हैंड साइड ऑफ टू ए इंटू बी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ रिंग, मैं आगे लिखा हूँ ऊपर में मैं बता दूंगा, तो ये जो है वो रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, और ये जो है वो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, एम और एन जो है वो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, और ये क्या है एन ए इंटू एन ए और एम बी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ऊपर में लिख रहा हूँ कि एम इंटू एन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है, और एन ए का मतलब हो गया, एन ए का मतलब ए को एन बार ऐड करना है, a प्लस ए डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, इसी को n बार ऐड करेंगे तो उसी को n a कह रहे हैं, और m इंटू बी का मतलब हो गया b प्लस बी डॉट डॉट अप टू m टर्म्स, b को अगर m बार ऐड करेंगे तो m इंटू बी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, अभी यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स जो यहाँ पर सेट हम लोग डिफाइन किए थे, इस सेट में हम लोग दो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए हैं, एक को कह रहे हैं एडिशन, दूसरे को कह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। एडिशन इस तरीके से डिफाइन किया, मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से डिफाइन किया है। अब सबसे पहला काम हम लोग है कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको रिंग दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि इस रिंग में यूनिटी एलिमेंट भी होगा, और फिर बाद में क्या करेंगे, दिखा देंगे कि आर इस पर एम्बेड कर रहा है। तो हम लोग को यही दिखाना था कि कोई भी रिंग जो है वो एक रिंग पर एम्बेड करेगा, और ये अगर विदाउट यूनिटी का है तो जिस पर एम्बेड करेगा वो यूनिटी वाला रिंग होगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि ये रिंग है, तो यहाँ पर समझिए, फर्स्टली वी शैल सो दैट आर डस जो आर क्रॉस जेड के बराबर है इज ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड एज अबव। अभी दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किए, उसके रिस्पेक्ट में ये दिखा देंगे कि रिंग है। तो रिंग दिखाने के लिए कितना कंडीशन है, टोटल 8 कंडीशंस होता है रिंग के लिए, दो जिसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी भी है एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो भी दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी भी, और बाकी 6 कंडीशंस और जो रिंग के लिए होता है वो भी दिखाएंगे, तो टोटल 8 कंडीशंस, और फिर विथ यूनिटी एलिमेंट तो वहाँ पर एक और कंडीशन दिखाएंगे, तो टोटल 9 कंडीशन दिखाना पड़ेगा रिंग के लिए। थ्योरम थोड़ा लंबा है, आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि आर डैश इज क्लोज्ड, ये दिखाएंगे आर डैश इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कैसे दिखाएंगे जरा समझिए,
इसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट ए एम और बी एन, ये कोई भी दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, बी एन किसका ले रहे हैं, आर डैश का, और आर डैश किसके बराबर है, आर डैश जो है वो आर क्रॉस जेड के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर देयर फोर ए किसका मेंबर हो जाएगा, ए और बी जो है वो आर का मेंबर होगा, तो ए कॉमा बी ये दोनों आर का मेंबर होगा, और एम और एन ये दोनों किसका मेंबर होगा, इंटीजर्स का मेंबर होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब चलिए आगे देखते हैं ना, ये दोनों का सम करते हैं, तो कैसे अभी हम लोग एडिशन को डिफाइन किए हैं, ए कॉमा एम और बी कॉमा एन को अगर ऐड करना है, सम करना है, तो कैसे डिफाइंड हुआ है, ए प्लस बी कॉमा एम प्लस एन। अब देखिए ए और बी आर का मेंबर है, तो दोनों का जो सम आएगा वो भी आर का मेंबर होगा, क्योंकि आर तो रिंग है, तो रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। सिंस यहाँ पर लिखते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, एंड एम कॉमा एन ये जेड का मेंबर है, इंटीजर्स है, तो दोनों का जो सम होगा, दो इंटीजर का सम, वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो आर का मेंबर हो गया, और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो जेड का मेंबर हो गया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर किसका मेंबर हो जाएगा, आर क्रॉस जेड का। तो देयरफॉर ए प्लस बी कॉमा एम प्लस एन ये किसका मेंबर हो जाएगा, आर क्रॉस जेड का मेंबर हो जाएगा, मीन्स दैट इज आर डैश का मेंबर हो जाएगा। तो इसका दो एलिमेंट हम लोग आर डैश का लिए, और दोनों का जो सम आ रहा था वो भी आर डैश का मेंबर दिखा दिए, तो इम्प्लाइज ये ए प्लस बी और एम प्लस एन क्या था, ए कॉमा बी प्लस, सॉरी ए कॉमा बी नहीं था यहाँ पर, ए कॉमा एम प्लस बी कॉमा एन ये किसका मेंबर हो गया, आर डैश का। तो इम्प्लाइज आर डैश इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट वर्क तो हो गया हम लोग का, एक क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दिए। अब हम लोग दिखाएंगे, ये अभी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज दिखाए हैं, अब फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे दिखाते हैं आर डैश इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए कॉमा एम बी कॉमा एन बिलोंग्स टू आर डैश, आर डैश मीन्स क्या हो गया, आर क्रॉस जेड, इसका कोई भी दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। अब therefore ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, a कॉमा बी इंटू बी कॉमा एन, ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन ये जो है इसका प्रोडक्ट, अभी हम लोग डिफाइंड किए थे, कैसे डिफाइंड किए थे, a इंटू बी था, फिर प्लस n इंटू ए था, और फिर m इंटू बी था, ये एक कंपोनेंट हो गया, और फिर सेकेंड कंपोनेंट था m इंटू एन, इस तरीके से डिफाइंड किए थे। अब देखिए सिंस a और b दोनों किसका मेंबर हो जाएगा, r का, a b जो है वो r का मेंबर है, एंड m और n किसका मेंबर है, ये z का मेंबर है, ये दोनों जो है वो सेकेंड कंपोनेंट z का मेंबर होगा। अब देखिए जब a b r का मेंबर है, तो इम्प्लाइज a इंटू बी एन इंटू ए एम इंटू बी ये भी r का मेंबर होगा, क्यों, जब रिंग का दो एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी रिंग का मेंबर होता है। और एन ए क्या बता रहा है, एन ए तो बता रहा है ए को हम लोग कितना बार ऐड किए हैं, अप टू एन टर्म्स, एन बार हम लोग ऐड किए हैं इसको, एन टर्म्स तक ऐड किए हैं, तो ए को दो बार ऐड करते हैं, रिंग का किसी भी दो एलिमेंट को अगर हम लोग ऐड करते हैं वो भी रिंग का मेंबर होता है, अगर थ्री टाइम्स ऐड करेंगे तो भी रिंग का मेंबर, एन टाइम्स ऐड करेंगे तो भी रिंग का मेंबर आएगा, तो ये सभी को ऐड करने के बाद वो रिंग का मेंबर आएगा, तो इसीलिए एन ए जो है वो भी रिंग का मेंबर होगा, और अगर एम बार भी ऐड करेंगे तो भी रिंग का मेंबर हो जाएगा। एंड ये दोनों इंटीजर्स है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर्स ही होगा। तो देखिए ये जब तीन एलिमेंट रिंग का है तो तीनों का जो सम होगा, ए इंटू बी प्लस एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी ये भी रिंग का मेंबर हो जाएगा, और m into n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का मेंबर है। तो अब जरा देखिए जब ये रिंग का मेंबर है और ये इंटीजर्स है, तो ये दोनों को लेकर के हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं, a प्लस बी प्लस ए सॉरी a इंटू बी प्लस एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकेंड कंपोनेंट में ये रखते हैं m इंटू एन, तो ये किसका मेंबर हो जाएगा, ये मेंबर हो जाएगा
हम लोग एक रिंग का मेंबर लिए हुए हैं यहाँ पर और ये जेड का मेंबर लिए हुए हैं, तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर हो जाएगा, आर क्रॉस जेड का मेंबर हो जाएगा। और ये क्या था, ये जो देखिए यहाँ पर डिफाइंड किया हम लोग, तो ये दो एलिमेंट का प्रोडक्ट था, तो ए इंटू ए कॉमा एम, यहाँ पर ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन, ये मेंबर हो गया। और इसको हम लोग क्या माने थे, आर डैस, इसी को आर डैस कह रहे थे। तो अगर आर डैस का कोई भी दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं ये, तो उसका प्रोडक्ट भी जो है वो आर डैस का मेंबर हो गया। इसका मतलब आर डैस इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड हो जा रहा है, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज्ड हो गया। अब दो चीज तो हम लोग दिखा दिए कि आर डैस में जो दो बाइंड दो ऑपरेशन अभी हम लोग डिफाइंड किए थे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, वो दोनों के रिस्पेक्ट में आर डैस क्लोज्ड है। अब रिंग के लिए जो सिक्स कंडीशंस होता है वो दिखाना पड़ेगा। तो रिंग के लिए सबसे पहला कंडीशन अब हम लोग एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी, सॉरी ए कॉमा एम लिखना है, ए कॉमा एम, बी कॉमा एन और सी कॉमा पी, ये तीन एलिमेंट मान लिए। किसका मान लिए, आर डैस का, आर डैस का मतलब आर क्रॉस जेड का, ये तीन एलिमेंट मान लिए। तो देयर फोर ए बी सी जो है वो आर का मेंबर होगा, ए बी और सी ये तीनों है आर का मेंबर, एंड एम एन और पी जो है वो इंटीजर्स हो जाएगा, ये जो सेकेंड कंपोनेंट है एम एन और पी वो जेड का मेंबर हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सभी कंडीशन को दिखाएंगे। तो दिखाते हैं सबसे पहले एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, यहाँ लिखते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। तो ये कैसे दिखाते हैं जरा समझिए, हम लोग तीन एलिमेंट तो ले चुके हैं, अब ए कॉमा एम प्लस बी कॉमा एन ये दोनों को एक ब्रैकेट में, और फिर आगे लिखते हैं सी कॉमा पी, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों का सम तो हम लोग को पता है, कैसे निकालते हैं a प्लस बी कॉमा एम प्लस एन, ये दो ऑर्डर पेयर का सम को इसी तरीके से डिफाइन किए थे, और प्लस c कॉमा p को यहाँ पर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये अब दो एलिमेंट को ऐड करना है, ये दो ऑर्डर पेयर हो गया, दो ऑर्डर पेयर को कैसे ऐड करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फिर ये दो ऑर्डर पेयर को ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस बी को ऐड करना है किसके साथ, c के साथ, और फिर m प्लस एन को ऐड करना है किसके साथ, ये p के साथ। अब देखिए ये ए बी सी तो रिंग का मेंबर है, r का मेंबर है, रिंग है वो, तो रिंग में तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, b और c को एक ब्रैकेट में रख कर देते हैं। क्यों क्यों ये काम किए हैं, क्योंकि ये सभी तो रिंग का मेंबर है और रिंग में तो एसोसिएटिव होता है एडिशन, ये एडिशन जो है वो रिंग का बाइनरी ऑपरेशन है, आर का बाइनरी ऑपरेशन है, तो आर जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है, इसीलिए हम लोग ए को यहाँ पर बाहर रखें और बी और सी को एक ब्रैकेट में कर दिए हैं। और ये सभी इंटीजर्स है, एम एन पी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स का भी सम जो है वो एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ पर भी एम को बाहर कर देते हैं और एन और पी को अंदर में एक ब्रैकेट में रखते हैं, एन प्लस पी। अब देखिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर का सम हो जाएगा, कौन सा, ए कॉमा एम प्लस बी प्लस सी कॉमा एन प्लस पी, ये दोनों का सम करने पर यही आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, और फिर ये तो ज्यों का त्यों रखते हैं। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर का सम हो जाएगा, कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, बी कॉमा एन प्लस सी कॉमा पी, देखिए ये दोनों का ऐड करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा और n प्लस पी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। हम लोग अगर इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए पहले यहाँ a कॉमा एम और b कॉमा एन रखा गया था, c कॉमा पी को बाहर रखे थे, यहाँ पर a कॉमा पी एम बाहर हो गया और b कॉमा एन और c कॉमा पी एक साथ हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया, तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। अब फिर हम लोग कम्यूटेटिविटी देखते हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, एक एक करके सभी दिखा देंगे, कोई विशेष नहीं है, थ्योरम थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आसान है। तो कम्यूटेटिविटी दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए कॉमा एम प्लस बी कॉमा एन,
ये लेकर के चलते हैं। और दोनों का सम कैसे डिफाइन किया गया, a प्लस बी कॉमा एम प्लस एन। और a और b तो रिंग का मेंबर है और रिंग में तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए लिख सकते हैं। और m और n इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में भी एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, तो m प्लस एन को हम लोग n प्लस एम लिख सकते हैं। अब फिर ये यहाँ पर ये दो ऑर्डर पेयर का सम बना सकते हैं हम लोग, कौन सा दो ऑर्डर पेयर, बी कॉमा एन प्लस ए कॉमा एम। देखिए ये दोनों का सम b प्लस ए आ जाएगा और n प्लस एम आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, a कॉमा एम जो है वो बाद में चला गया और b कॉमा एन जो सेकेंड में था वो फर्स्ट में आ गया, तो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये कैसे दिखाएंगे जरा इसके बारे में समझिए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हम लोग ये जान रहे हैं कि ये जीरो कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा जीरो जो है वो आर डैश का मेंबर हो जाएगा, आर डैश मीन्स आर क्रॉस जेड, जीरो कॉमा जीरो इसका मेंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर रिंग है तो रिंग में तो जीरो एलिमेंट होता ही है, और ये जो जेड है वो इंटीजर्स का जो सेट है उसमें भी तो जीरो इंटीजर्स होता है ना, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो रिंग का जीरो एलिमेंट बता रहा है और सेकेंड वाला जो है वो जीरो इंटीजर बता रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिंग है तो वहाँ पर जीरो एलिमेंट, ये मैट्रिक्स भी बन सकता है, रिंग जो होता है वो एक मैट्रिक्स भी, मैट्रिक्स का जो सेट होता है वो भी एक रिंग होता है, तो एक नंबर ही हो यहाँ पर, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी जीरो एलिमेंट होगा इस रिंग का, उस जीरो एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर ये जो सेकेंड कंपोनेंट है वो जीरो इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हेयर फर्स्ट कंपोनेंट जीरो इज जीरो एलिमेंट ऑफ आर, जीरो एलिमेंट ऑफ आर, एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है, सेकेंड कंपोनेंट जीरो इज जीरो इंटीजर, ये एक जीरो इंटीजर है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो ये दोनों नंबर ही हो ये ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है रिंग कैसा है। रिंग अगर मान लीजिए मैट्रिक्स का रिंग है, तो मैट्रिक्स का रिंग है तो ये जीरो मैट्रिक्स को बताएगा, और ये जो सेकेंड कंपोनेंट है वो एक जीरो इंटीजर ही होगा। तो ये जो पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिंग का जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग, और ये जो सेकेंड कंपोनेंट है वो जीरो इंटीजर है। अब यही जो है वो इस आर्डस का जीरो एलिमेंट का काम करेगा, कैसे काम करेगा चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाउ a कॉमा एम में ये जो अभी हम लोग जीरो कॉमा जीरो लिखे थे उसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो कैसे एडिशन डिफाइन किया गया, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी रिंग का मेंबर है और ये रिंग है, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग है, और सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, एम प्लस जीरो, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये रिंग का जीरो एलिमेंट को रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो वो वही एलिमेंट रह जाएगा, क्योंकि ए जो है वो रिंग का एलिमेंट है और ये जीरो एलिमेंट है रिंग का, तो दोनों का सम जो है वो ए के बराबर, और ये जीरो इंटीजर को किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो वही इंटीजर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लोग जीरो इस एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट आ गया, तो देयरफॉर जीरो कॉमा जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ, जीरो एलिमेंट ऑफ आर्डस, ये आर्डस का जीरो एलिमेंट हो गया। तो तीन चीज़ अभी हम लोग दिखाए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा एसोसिएटिविटी दिखाए हैं, कम्यूटेटिविटी दिखाए हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दिखाए हैं। फिर देखते हैं अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो जरा समझिए यहाँ पर, सिंस ए कॉमा एम को हम लोग किसका मेंबर माने थे, आर्डस का, आर्डस का मतलब हो गया आर क्रॉस जेड, आर क्रॉस जेड का मेंबर था ये, तो इसका मतलब ए जो है वो आर का मेंबर होगा, ए बिलोंग्स टू आर, और एम जो है वो इंटीजर्स होगा, एंड एम इंटीजर होगा, एक जेड का मेंबर होगा। अब ए रिंग का मेंबर है, रिंग में तो एडिटिव इन्वर्स होता है, ये रिंग का मेंबर है तो माइनस ए जरूर इसका मेंबर होगा, तो माइनस ए जो है वो आर का मेंबर हो जाएगा, और ये कोई एक इंटीजर है
तो उसका नेगेटिव माइनस एम भी एक इंटीजर होगा, किसी भी इंटीजर का माइनस कर देंगे तो वो भी एक इंटीजर होता है। तो ये रिंग का मेंबर हो गया, ये एक जेड का मेंबर हो गया। तो माइनस ए और माइनस एम का ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं, माइनस ए और माइनस एम का, तो ये ऑर्डर्ड पेयर किसका मेंबर हो जाएगा, आर क्रॉस जेड का मेंबर हो जाएगा। आर क्रॉस जेड का मतलब क्या हो गया, आर डैश का मेंबर हो गया। तो अगर ए कॉमा एम आर डैश का मेंबर मानते हैं तो माइनस ए कॉमा माइनस एम भी आर डैश का मेंबर हो गया। अब ये दोनों का सम देखते हैं अगेन या नाउ, हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमा एम और फिर माइनस ए कॉमा माइनस एम दोनों का सम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ए में माइनस ए को ऐड करेंगे, ए प्लस माइनस ए कॉमा सेकेंड कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट में एम को माइनस एम के साथ ऐड करेंगे। ये तो रिंग का मेंबर होता है फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये दोनों रिंग का मेंबर है ए और माइनस ए, ए का ही एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग हो जाएगा। और ये इंटीजर है उसी का नेगेटिव इंटीजर यहाँ है, तो दोनों का सम करेंगे तो ये जीरो इंटीजर आ जाएगा। तो देखिए इसको और इसको दोनों को ऐड करते हैं तो जीरो एलिमेंट ऑफ द आर डैश हो गया, तो इसका मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स ये हो जाएगा। तो देयरफोर माइनस ए कॉमा माइनस एम इज द एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स हो गया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉमा एम। तो यहाँ तक आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एडिशन के रिस्पेक्ट में जितना प्रॉपर्टीज था एडिशन के रिस्पेक्ट में हो गया, एसोसिएटिव हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव भी हो गया, फिर हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दिखा दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स भी दिखा दिए, और क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले ही दिखा चुके हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एक कंडीशन है, एसोसिएटिविटी और फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ दिखाएंगे। तो चलिए ये दोनों कंडीशन को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ये दिखाएंगे मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा। तो इसको दिखाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव दिखाना है तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं और एक तीसरा एलिमेंट सी कॉमा पी को बाहर रखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई किया गया है ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एन इंटू ए, यहाँ एन इंटू ए था, फिर सेकेंड कंपोनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, क्या करना है देख रहे हैं, ए को बी के साथ और ए को एन के साथ करेंगे लेकिन लिखेंगे एन इंटू ए, यहाँ एम इंटू बी लिखते हैं। फिर ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो सेकेंड और सेकेंड को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एम इन कॉमा एम इंटू एन, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया और बाहर में एक और एलिमेंट है सी कॉमा पी। अब फिर ये दोनों ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जरा समझिएगा। हम लोग पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं डेफिनेशन बताया उसी तरीके से। तो पहले फर्स्ट ए बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सॉरी फर्स्ट तो यहाँ पर ये पूरा है ना, तो पूरा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी प्लस एन ए प्लस एम बी, और इसको हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं पी से, तो P को पहले लिखेंगे और लिखेंगे A प्लस ए इंटू बी प्लस एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं C से, तो यहाँ लिखेंगे इंटीजर को पहले लिखना है M इंटू एन इंटू सी। इंटीजर जो होता है देखिए आप दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर निश्चित रूप से पहले होता है, क्या होता है फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट को इस सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन एन को पहले लिखते हैं एन ए, फिर यहाँ एम को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम पहले लिख रहे हैं, एम इंटीजर है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट एम एन पी ये सभी इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किए हैं और फिर फर्स्ट को इस पी से मल्टीप्लाई किए हैं, पी इंटीजर था उसको पहले लिखे हैं और इसको बाद में, फिर सेकेंड को इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो एम इंटू एन इंटीजर होगा तो इसको पहले और सी बाद में, एम इंटू एन को एक आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और लास्ट ये तो हो गया फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, लास्ट जो कंपोनेंट होगा वो एम इंटू एन इंटू पी होगा, एम इंटू एन इंटू पी, तो ये हुआ इस दोनों का प्रोडक्ट। अब जरा समझिए इसको क्या करते हैं,
ये अंदर तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ए बी सी वगैरह कहाँ का मेंबर है, ये तो रिंग का मेंबर है, तो रिंग का मेंबर है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सेटिस्फाई होगा। तो ए इंटू बी इंटू सी, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन इंटीजर है और ए सी को एक साथ रखते हैं, यहाँ पर एम इंटीजर है बी सी को एक साथ रखते हैं, ये हो गया। और फिर प्लस आप आगे देखिए, पी एक इंटीजर है, पी इंटू ए इंटू बी, फिर यहाँ पर P और N दोनों इंटीजर होगा तो आप P N लिख जाइए और N टू E ये एक साथ कर दीजिए, P और N जो है दोनों इंटीजर है तो इंटीजर को एक साथ और रिंग का एलिमेंट को एक साथ कर देंगे। P इंटू M एक साथ P और M दोनों इंटीजर है, और फिर B, और एक और बचा हुआ है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, M इंटू N सी, और कॉमा एक सेकेंड बचा हुआ है तो सेकेंड क्या है, सेकेंड कंपोनेंट है एम इंटू एन कॉमा सॉरी इंटू पी। अब जरा समझिए, ये हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, अब दिखाना है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो अभी ए कॉमा एम और बी कॉमा एन को एक साथ रखे थे, अब हम लोग क्या करते हैं ए कॉमा एम को बाहर कर देते हैं और बी कॉमा एन और सी कॉमा पी को एक साथ करते हैं, सी कॉमा पी को इसको एक साथ कर देते हैं। अब ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, तो ए कॉमा एम तो यहाँ पर रहने देते हैं, और इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट होगा बी इंटू सी प्लस बी इंटू पी, लेकिन पी इंटीजर है पहले लिखेंगे पी इंटू बी प्लस एन इंटू सी प्लस एन इंटू सी, और सेकेंड कंपोनेंट होगा एन इंटू पी, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, फर्स्ट कंपोनेंट को इसके साथ, यहाँ पर a इंटू बी सी प्लस पी बी प्लस एन सी, फिर प्लस यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट को सेकेंड के साथ, तो सेकेंड जो है वो इंटीजर है तो n इंटू पी को एक साथ लिखते हैं और बाद में a, फिर प्लस ये इसके साथ तो m इंटीजर है बी सी प्लस पी बी प्लस एन सी, और फिर ये हुआ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट निकालने के लिए सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम और एन को एक साथ लिखिए इनटू पी, क्योंकि एम और एन जो है वो इंटीजर है। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इंटू बी सी प्लस पी इंटीजर है इसको बाहर रखते हैं ए इंटू बी को एक साथ, फिर एन इंटीजर है बाहर रखते हैं ए इंटू सी को एक साथ, यहाँ एन इंटू पी इंटू ए रहने देते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू बी इंटू सी, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा m इंटू पी को एक साथ कर देते हैं क्योंकि ये दोनों इंटीजर है और फिर b, फिर m इंटू एन को एक साथ कर देते हैं ये दोनों इंटीजर है और फिर इंटू सी, और यहाँ पर m इंटू एन इंटू पी ये एक साथ रहने देते हैं। अब देखिए जैसा फर्स्ट में आया था उसी तरीके से अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी रिंग का मेंबर है और रिंग में तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है, तो आप ए बी को एक साथ कर सकते हैं और सी को बाहर कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर था उसी तरीके से अरेंज करने की कोशिश कीजिए। एन इंटू ए सी है तो एन इंटू ए सी को पहले लिख दीजिए क्योंकि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये तो सभी रिंग का मेंबर होगा तो रिंग का मेंबर होगा तो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी होता है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एन इंटू ए सी को पहले लिख जाते हैं। फिर उसके बाद m इंटू बी सी है, देखिए यहाँ पर ये हो चुका है ये हो चुका है, फिर m इंटू बी सी यहाँ पर है उसको भी हम लोग लिख जाते हैं यहाँ पर, ये भी हो गया, और फिर p इंटू ए बी ये वाला हम लोग लिख जाते हैं p इंटू ए बी, फिर है पी एन इंटू ए, तो देखिए यहाँ पर पी एन इंटू ए होगा, एन पी है तो एन पी है तो n और p तो दोनों इंटीजर है तो इंटीजर को तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, ये इंटीजर है तो P को पहले कर देते हैं, N को बाद में, इंटू ए ये भी हो चुका है, और उसके बाद फिर है पी एम इंटू बी, तो पी एम इंटू बी यहाँ से आ जाएगा, इसको P को पहले और M को बाद में क्योंकि इंटीजर है, ये भी हो गया, और फिर है M इंटू एन इंटू सी प्लस M इंटू एन इंटू सी, ये भी आ चुका है। तो देखिए सारा टर्म हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर, ये सभी टर्म हम लोग लिख दिए, और एक लास्ट टर्म ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, और सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया m इंटू एन इंटू पी, ये सेकेंड कंपोनेंट हो गया, इसको हम लोग नंबर कर देते हैं टू। तो अब आप ये दोनों को कंपेयर कीजिए तो दोनों सेम है वन और टू, क्योंकि वन जैसा ही हम लोग इसको अरेंज करके लिखे हुए हैं, तो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव
क्या मिल गया, इसको नंबर टू यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो वन और टू से हम लोग को मिल गया कि ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन इंटू सी कॉमा पी ये किसके बराबर आ गया, ए कॉमा एम बाहर कर दीजिए, देखिए ये ए कॉमा एम बाहर है, और फिर बी कॉमा एन इंटू सी कॉमा पी इसके बराबर हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमा एम को बाहर रखते हैं और बी कॉमा एन प्लस सी कॉमा पी को यहाँ पर अंदर एक ब्रैकेट में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को ऐड करते हैं, ए कॉमा एम रहने देते हैं और यहाँ पर दोनों ऑर्डर पेयर का सम जब करेंगे तो बी प्लस सी और एन प्लस पी होगा। अब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी प्लस सी, फिर फर्स्ट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको पहले लिखते हैं, ये इंटीजर है एन और पी दोनों का जो सम है वो इंटीजर है, इंटू ए यहाँ पर प्लस होगा और फिर प्लस ये इसके साथ है मल्टीप्लाई करते हैं एम इंटू बी प्लस सी। एक कंपोनेंट ये हो गया ऑर्डर पेयर का और सेकेंड कंपोनेंट के लिए इसका और इसका सेकेंड वाला को मल्टीप्लाई करते हैं एम इंटू एन प्लस पी। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो ए बी सी रिंग का मेंबर है और रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा और यहाँ पर भी एन और पी जो है वो इंटीजर है और ए जो है वो रिंग का मेंबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए प्लस पी ए। यहाँ पर भी ये इंटीजर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम इंटू बी प्लस एम इंटू सी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा एम इंटू एन प्लस एम इंटू पी, क्यों, क्योंकि ये तो इंटीजर है तो इंटीजर में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। अब क्या करते हैं, ये तो हम लोग यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, नंबर थ्री कर देते हैं और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करवाना है तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये इसके साथ उसको हम लोग लिखते हैं। अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग, ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन ये लेते हैं और प्लस ए कॉमा एम इंटू सी कॉमा पी, यही दिखाना है दोनों को इक्वल, ये और ये दोनों इक्वल दिखा देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग एक तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल करके रख लिए, राइट हैंड साइड अब हम लोग लेकर के चलते हैं दोनों को इक्वल दिखाने के लिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी प्लस एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी और फिर सेकेंड कंपोनेंट में आएगा एम इंटू एन, जैसे मल्टीप्लीकेशन का डेफिनेशन उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ यहाँ पर। और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी प्लस पी ए प्लस एम सी और सेकेंड कंपोनेंट होगा एम इंटू पी। चलिए अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड करना है तो ए बी प्लस एन ए प्लस एम बी और इसका कंपोनेंट है ए सी प्लस पी ए प्लस एम सी और इसका सेकेंड कंपोनेंट को इसके सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं एम इंटू एन प्लस एम इंटू पी। अब क्या करते हैं, ये जो थ्री में आया है उसी जैसा इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये सारा जो है वो रिंग का मेंबर है तो रिंग का मेंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ए बी सबसे पहले लिख जाते हैं, जो लिख रहा हूँ मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ ताकि पता चले। फिर उसके बाद ए सी था तो ए सी भी लिख जाते हैं, फिर एन ए था तो एन ए भी लिख जाते हैं, फिर उसके बाद पी ए है तो पी ए भी लिख जाते हैं और फिर एम बी है तो एम बी भी मैं लिख रहा हूँ एम बी और फिर लास्टली एम सी है तो एम सी को भी मैं लिख रहा हूँ। तो सारा टर्म हो गया, आप देखिए सभी में टिक हो गया तो ये सभी को मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर। और सेकेंड कंपोनेंट जो है एम इंटू एन प्लस एम इंटू पी ये ज्यों कहते हो। अब देखिए कंपेयर करके, थ्री और फोर बिल्कुल सेम है तो फ्रॉम थ्री एंड फोर वी हैव, हम लोग क्या देखें थ्री और फोर से कि ये जो है और ये दोनों सेम आ गया तो ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन प्लस सी कॉमा पी किसके इक्वल आ रहा है, ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन प्लस ए कॉमा एम इंटू सी कॉमा पी। देखिए आप
यहाँ पर इसमें हम लोग ये और ये दोनों देख रहे हैं कि इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये जो है वो इसके इक्वल आ गया, तो इस दोनों को इक्वल करके हम लोग लिखें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट, वी कैन शो दैट हम लोग दिखा सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी कॉमा एन प्लस सी कॉमा पी और यहाँ पर अगर ए कॉमा एम रहे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी कॉमा एन इंटू ए कॉमा एम प्लस सी कॉमा पी इंटू ए कॉमा एम, तो क्या रिंग का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये आरडस जो है वो रिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर देयरफोर आरडस इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड इन इट, इसमें जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड किए थे उसके रिस्पेक्ट में ये एक रिंग हो गया, और जब रिंग हो गया तो अब हम लोग को दिखाना है कि ये एक यूनिटी भी होगा इसमें, तो यूनिटी कैसे होगा जरा समझिए, सिंस यहाँ पर जीरो एलिमेंट है रिंग का एंड वन जो है वो इंटीजर्स है, तो ये जीरो रिंग का मेंबर लिए, वन जो है वो इंटीजर है, तो जीरो कॉमा वन जो है वो किसका मेंबर हो जाएगा, आर क्रॉस जेड का मेंबर हो जाएगा, और जीरो कॉमा वन जो है आर क्रॉस जेड मतलब आर डैश का मेंबर हो जाएगा। अब इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, लेट ए कॉमा एम बिलोंग्स टू आर डैश, ये कोई भी एलिमेंट मान लिया, आर डैश मीन्स आर क्रॉस जेड, तो देखिए ए जो है वो आर का मेंबर और एम जो है वो जेड का मेंबर, इम्प्लाइज ए आर का मेंबर एंड एम जो है वो जेड का मेंबर, दिखाएंगे कि यही यूनिटी का काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यूनिटी एलिमेंट होगा आर डस रिंग का, आर डस तो रिंग अभी हम लोग दिखा दिए हैं, तो देखिए ए कॉमा एम और जीरो कॉमा वन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो पहले फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू ए, फिर ये एम इंटू जीरो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया ये, और सेकेंड कंपोनेंट एम इंटू वन कितना आ रहा है, ए को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो एलिमेंट है रिंग का और ये भी ए जो है वो रिंग का मेंबर है, ए भी रिंग का मेंबर है, जीरो एलिमेंट है रिंग का, तो ए को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो एलिमेंट ही होता है, रिंग में प्रॉपर्टीज है, और वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, और ये इंटीजर है एम और ये जीरो जो है वो जीरो एलिमेंट रिंग का है, तो जीरो एलिमेंट को अगर एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो ही होगा और यहाँ क्या हो गया एम, तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये तो एम और वन दोनों इंटीजर है, दोनों मल्टीप्लाई करने पर एम आएगा, तो ये दोनों तीनों का सम करते हैं तो ए और कॉमा एम, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ए कॉमा एम ही रह गया, इसी तरीके से अगर जीरो कॉमा वन को पहले लिखते हैं और ए कॉमा एम को बाद में लिखते हैं तब क्या आता है, देखिए क्या तरीका है मल्टीप्लाई करने का, जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एम को जीरो से प्लस एम इंटू जीरो, फिर वन को ए से वन इंटू ए और सेकेंड कंपोनेंट होगा वन इंटू एम, वन इंटू एम, तो देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, यहाँ पर सिर्फ ए बच जाएगा और यहाँ पर एम बच जाएगा, तो ये भी क्या आ गया ए कॉमा एम आ गया, तो देयरफोर हम लोग देख रहे हैं कि ए कॉमा एम को जीरो कॉमा वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ए कॉमा एम आता है, और इक्वल टू अगर जीरो कॉमा वन को पहले लिखते हैं और बाद में ए कॉमा एम रखते हैं तो भी यही आता है, फॉर ऑल ए कॉमा एम बिलोंग्स टू आर डस, देयरफोर जीरो कॉमा वन इज द यूनिटी एलिमेंट, ये यूनिटी एलिमेंट हो गया किसका, यूनिटी एलिमेंट इन आर डस, तो देयरफोर आर डस इज ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, तो अभी तक हम लोग क्या दिखाएं, अभी तक हम लोग दिखाएं कि आर एक रिंग दिया हुआ था, एक नया रिंग हम लोग
बनाए हैं, आर डैश कैसे बनाए हैं, आर क्रॉस सेट ऑफ इंटीजर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, ये एक रिंग बना दिए हैं। इसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं था, लेकिन इसमें यूनिटी एलिमेंट है, आर डैश में जो है वो यूनिटी एलिमेंट है। अब क्या प्रूव करना है कि आर इस पर इम्बेड करेगा, तो आर इम्बेड करेगा तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि एक इमेज, एक मैपिंग लेंगे आर से आर डैश में, डिफाइंड करेंगे और दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग है वो वन वन भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। अगर ये दिखा दिए तो आर जो है वो आर डैश पर इम्बेड कर जाएगा, तो ये काम बाकी रह गया है, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दिखाते हैं एम्बेडिंग ऑफ रिंग आर इनटू रिंग आर डैश, हम लोग दिखा देंगे कि आर जो है वो आर डैश पर इम्बेड कर रहा है। तो कैसे, लेट अस डिफाइन ये मैपिंग फाइव फ्रॉम आर टू आर डैश, आर से आर डैश में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं रिंग आर से आर डैश में। तो यहां पर अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं तो ए कॉमा जीरो ये आर डैश का मेंबर होगा, जीरो जहां जीरो इंटीजर हो गया, तो इसमें आर डैश का मतलब क्या है, आर क्रॉस जेड मतलब ये पेयर होगा जिसमें से एक रिंग का मेंबर होगा और एक इंटीजर होगा, तो ए रिंग का मेंबर है और जीरो क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं फाई एक मैपिंग, कैसे डिफाइंड कर रहे हैं, ए को इसके साथ एसोसिएट करते हैं, ए को ए जीरो के साथ। तो यहाँ पर भाई मैं लिख रहा हूँ लेट अस डिफाइन ये मैपिंग फाइव फ्रॉम आर टू आर डैश एज फाइव ऑफ ए इक्वल टू ए कॉमा जीरो फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी रिंग अगर ले लेते हैं तो वो इसके साथ मैप करेगा, रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए बी ले लेते हैं तो किसके साथ मैप करेगा, बी कॉमा जीरो के साथ करेगा, बी कॉमा जीरो तो जरूर आर डैश का मेंबर होगा। यहाँ अगर सी ले लेते हैं तो सी किसके साथ मैप करेगा, सी कॉमा जीरो के साथ मैप करेगा। अब दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग है वो वन वन भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि फाई इज वन वन, कैसे दिखाते हैं, इसके लिए हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, और ऐसा ले रहे हैं कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, हम लोग अगर दिखा देंगे कि ए इक्वल टू बी तो ये वन वन हो जाएगा। तो सिंस फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी यहाँ पर हम लोग मान करके चल रहे हैं, फाई ऑफ ए का क्या डिफिनेशन है, फाई ऑफ ए का डिफिनेशन है ए कॉमा जीरो, फाई ऑफ बी का क्या डिफिनेशन हो जाएगा, बी कॉमा जीरो, फाई ऑफ बी तो बी कॉमा जीरो के साथ मैप करेगा। अब ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो याद कीजिए ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होता है जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल, तो सेकेंड कंपोनेंट तो ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल है, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आएगा। तो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी मान करके दिखा दिए ए इक्वल टू बी, देयरफॉर फाई इज वन वन। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, तो फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, तो इसके लिए दो कंडीशन दिखाना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म, क्या दो कंडीशन है जरा देखिए। हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी कोई भी दो मेंबर मान लेते हैं आर का, तो देयरफॉर ए कॉमा जीरो और बी कॉमा जीरो ये किसका मेंबर हो जाएगा, आर डैश का। अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं फाई ऑफ ए प्लस बी निकालते हैं, एक काम और हम लोग करते हैं, तो देयरफॉर फाई ऑफ ए बराबर क्या होगा ए कॉमा जीरो डेफिनेशन से, और फाई ऑफ बी बराबर क्या होगा बी कॉमा जीरो, डिफाइन किया गया है कि ए का इमेज क्या है ए कॉमा जीरो है, तो बी का इमेज क्या हो जाएगा बी कॉमा जीरो। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं फाई ऑफ ए प्लस बी, तो कैसा डिफाइन किया गया, ए का इमेज ए कॉमा जीरो होता है, तो ए प्लस बी का इमेज क्या होगा ए प्लस बी कॉमा जीरो हो जाएगा, यहाँ ए के बदले ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कॉमा जीरो आएगा। और ये इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी और ये जीरो को जीरो प्लस तो जीरो लिख सकते हैं, जीरो और जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, ये तो इंटीजर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं a कॉमा जीरो प्लस बी कॉमा जीरो लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों का सम कीजिएगा तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड करना है और सेकेंड कंपोनेंट के साथ ऐड करना है, और ये किसके बराबर है फाई ऑफ ए, और ये किसके बराबर है बी कॉमा जीरो फाई ऑफ बी। तो ये भी हम लोग प्रूफ कर दिए कि फाइव ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी। अगेन एक और चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, क्या है, फाइव ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए ए बी का इमेज क्या आएगा, ए इंटू बी कॉमा जीरो आएगा, ए बी कॉमा जीरो, क्योंकि फाइव ऑफ ए का इमेज आता है ए कॉमा जीरो, तो फाइव ऑफ ए इंटू बी का इमेज हो जाएगा ए बी कॉमा जीरो। अब निकालते हैं फाइव ऑफ ए एंड फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए का वैल्यू है ए कॉमा जीरो,
और फाई ऑफ बी का वैल्यू है इंटू बी कॉमा जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ प्लस इसको इसके साथ, जीरो पहले लिखेंगे, जीरो यहाँ इंटीजर है, ये इसके साथ, तो यहाँ पर ये इंटीजर है जीरो इंटू बी लिखेंगे, और फिर ये इसके साथ ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया और सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा जीरो इंटू जीरो, मतलब जीरो आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो क्या बच रहा है, सिर्फ ए बी बच रहा है और यहाँ पर जीरो। तो देखिए दोनों इक्वल हैं, तो देयर फोर फाई ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू कितना आ रहा है, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी आ रहा है, तो देयर फोर फाई इज ये होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इन आर इंटू आर डैस, आर इंटू आर डैस में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिए। तो देखिए फाई वन वन भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो हम लोग क्या किए, आर से आर डैस में एक मैपिंग डिफाइन किए जो वन वन भी है और ये होमोमॉर्फिज्म भी है, तो निश्चित रूप से आर जो है वो एम्बेड करेगा कहाँ पर, आर डैस पर, तो देयर फोर आर एम्बेडेड इन आर डैस, यही प्रूफ करना था हम लोग को। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। और आर्डस क्या है, आर्डस एक रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना था कि कोई भी रिंग जो है जिसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है लेकिन वो इम्बैड करेगा एक दूसरे रिंग पर जिसमें यूनिटी एलिमेंट होगा, तो आर्डस एक रिंग दिखा दिए विथ यूनिटी एलिमेंट और ये दिखा दिए कि आर जो है वो आर्डस पर इम्बैड करता है, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, ये वीडियो थोड़ा लंबा था, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।